सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो मारू महला तीजा आद जुगाद दयापत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता आद जुगाद दयापत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुध नौ सेव हैं से तुझे समाव हैं तू आपे मेल मिलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच्चा सच सोई हों मैं मार मिलाएंदा मन कठोर दूजै पाए लागा परमे पूला फिरे अपागा कर्म होवै ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाए मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाए बिन भगती बिष्टा विच वासा बिष्टा विच फिर पाएंदा कर्म होवै गुर भगत दृढ़ाए विण कर्मा क्यों पाया जाए आपे करे कराए करता जो भावै तिमें चलाएंदा सिमृत शास्त्र अंत न जाने मूर्ख अंधा तत न पछाणे आपे करे कराए करता आपे परम पुलाएंदा सब किछ आपे आप कराए आपे सिर सिर तंदै लाए आपे थाप उठापे वेखै गुरमुख आप बुझाएंदा सच्चा साहिब गहर गंभीरा सदा सलाही तामन तीरा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई गुरमुख मन वसाएंदा आप निरालम होर तंदै लोई गुर प्रसादी बूझै कोई नानक नाम वसै खटे अंतर गुरमती मेल मिलाएंदा आप निरालम होर तंदै लोई गुर प्रसादी बूझै कोई नानक नाम वसै खटे अंतर गुरमती मेल मिलाएंदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुगा टल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश सवेर समय असी सत्संगी बने हाँ गुरु हजूरी नूं माण रहे हाँ बिना शक वैदर थोड़ा नासाज है आज पर फिर भी आप गुरु हजूरी मानन गोचरे हाजरीन हो रहे हो वड भागता है अजे हुणे आसा की वार दा कीर्तन संपूर्ण होया है हुण समा बनया है गुरु शब्द व्याख्यान दा राग मारू दे सोलहे विचारे जा रहे ने धन गुरु अमरदास साहब जी दा उपदेश है चल रहे इस शब्द के प्रवाह विच अजे तक असी इस शब्द के अठ बंद गालबन अद्धा हिस्सा विचारिया है अज नौ नंबर पदे तो विचार असी अगे तोरांगे साहब जो जिक्र कर रहे ने जिन तू जाता कर्म विधाता पूरे भाग गुरु शब्द पछाता बड़े गहीर लैवल ते गहर लैवल ते इस सारे दे सारे विचार महाराज सानू बख्श रहे ने बचन यह है कि जिन तू जाता कर्म विधाता विधाता
तीन लफ्ज़ इको सीकुएंस यूज किए जाते हैं, विधाता, विधान ते विधि। साड़ी वाबस्तगी विधि नाल हुंदी है, विध जिन्हों कहने असं विध माता फोकलोर च कहता जाता, जिसनों विध माता वो किस रूप दे विच असी कहने भी होनी सी पाई है, ये होनी ने करा दिता, होनी कहते टलदी नहीं है, ये विध आ, ये विधि है, जो एक करी बन गई तो उदे थ्रू ही जाना पएगा। अच्छा, होनी किवें सिरजी जाती है, वो आपे ही नहीं सिरजी जाती, उदे होण वास्ते एक हुक्म हुंदा आ जिसनों विधान कहा जाता, विधान मुताबक विधि घड़ी जाती है। बंदे नूं कहा गया तू विधि नाल ना उलझ, होनी नाल ना उलझ, तू विधान नूं समझ, जे विधान समझेगा विधि तो फिर होनी तो बहुता परेशान नहीं होएगा। असी बहुत ही बारी होनी तो परेशान होंगे, ये क्यों होया, एवें नहीं सी होना चाहिदा, ये होनी वापर गई, ये इस तरीके भाई विधान देखेगा, हुक्म जे विधान देखेगा तो फिर हो सकता तेनों विधाते की भी समझ आ जाए जिहड़ा विधान नूं घड़न वाला आ, क्योंकि जे विधान आ, जे कोई हुक्म आ तो उहदा हुक्म भी तो है जिहदे विचों सारा कुछ आ रहा है। बाबा जी ने उन्हें कहा कर्म विधाता। इस तरह जानिए, बहुत बाणी च इस तरीके से महाराज ने सवालात करते हैं साढ़े सामने भी, जो कुछ भी नहीं सीगा तो उदों कर्म की सीगा, जो जो शुरुआत ही नहीं हुई, जो बिगनिंग ही नहीं हुई, उदों कर्म कितों आ गया। गल यह है कि कुछ चीज़ा मनुख की सुरत पकड़ नहीं सकती उस लैवल पर, हाँ बिलीव करती है, विश्वास करती है। असी सारिया ने मैथमैटिक्स थोड़ा बहुत पढ़िया आ स्कूलों के, हिसाब के सवाल जिन्हों असी कहने तो हिसाब किताब न पढ़द्या हो बहुत सारिया चीज़ा जड़िया ने उन्हों प्रोजैक्शन लिया जाता, जिमें सपोज करो इस तरह कहा जाता आ ना झंडा सिंह ने गंडा सिंह तो मान लो 100 रुपया धारा लिया, ब्याज की दर कटनी है। हुण बंदा कहे भी देखो गल यह है कि सानू की पता लिया कि नहीं लिया, सानू की पता है, हो सकता 200 ले होण पर आपां मन लिया, प्रोजैक्शन बना ले, इस तरह ही हुंदा। देखो बिल्कुल मैथ नूं कहिंदे डाटा बेस, डाटा बेस कढ़न वास्ते भी तुहानूं कुछ चीज़ां मनणियां पैंदियां, इस तो बिना यही एक दा हुक्म आ, असी ये अहसास करिए कि हाँ आ मन के चलांगे, मन्या जाए कि वह बख्शिंदे अगे शब्द आएगा इस रूप दे विच, ते वो कर्मा दे लेखे जोखे करता है पर कर्म मेट भी देता, कर्म विधाता जो होया हो, ते हर पल हर दिन हर समा वो नवा आ, वो भी नवा है तो वो मैं भी नवा आ। हाँ मैं अपने पुराने सुभा नहीं छड़ रहा, हूँ वह की करे, इतने फिर वह विधान जोड़ा आ वह लागू हो जाता मेरे ते, अदरवाइज असी बीते कल विचारे साहिब मेरा नीत नवा, वो तो नित नवा होकर पेश आता, वो तो किसी रूप के मैनू तो हर पल मौका दे रहा। असी अपना लिटरेचर पढ़ीए तो सानू ये रहतनामे जिक्र मिलता आ कि आगे समझ चलो नंद लाला, पीछे बीती जो बीती सो बीती, जो बीत गई उसनू बीती हुई जान, हुण तो जिहड़ा है नवा होके अज तो इसे रूप दे, क्या अज हूँ समझ कछ बिगड़ियो ना ही हुणी समझना, आही पाले आही आही समा आ। बंदा कहिंदा नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं हुंदा, पिछे कर्म ने सारा कुछ, भाई तेरी सुरत कर्म नहीं छड़दी, तेरा सुभा आदतां नहीं छड़दा, फिर मदर नेचर का ला आ, जे तू नहीं छड़ना तो फिर वह क्यों छड़ेगी। रोवी कहेगी हिसाब किताब सारा प्रॉपरली होएगा, एवें थोड़ा होएगा कि तू कहे भी तू सब कुछ छड़ दे, मैं कुछ भी ना छड़ा, मैं कुछ भी ना त्यागा, ये दोनों पासे होना। वो कर्म विधाता आ, वो कर्म करदा तरस दे रूप दे विच, वो बख्शदा हर पल दे रूप दे विच। बाबा जी कहिंदे कमाल ते असी सवैये पढ़ते ना, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन गार, दीनां दी प्रतिपालना तो उही करदा आ, संतां नूं हमेशा उभारदा है, वह दुष्टां नूं हमेशा उन्हां नूं जिहड़ा हैगा उस उन्हां उस लैवल ते खत्म करदा है, इह उहदा सुभा है। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन गारै, पछ पशु नगनाद नराद सर्ब समय
सबको प्रतिपाल है, पोखत है जल में थल में पल में कल्प के, नहीं कर्म विचार है, दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत ना हार है। दोखन देखत है, दोखन लुके थोड़ा ना देखो, दोखन ते मतलब पैर पैर ते दोखन ही दोखन ने, पर देत ना हार है। वो ता ही है क्योंकि नवीन है, नवा सुभा आया होता, हर पल नवा आया। वो कर्म विधाता कर्म करता पर कर्म बख्शिंद होके करता, बख्श देंदा, माफ कर देंदा, छड़ देंदा, नवे सिरे तो हर पल हर मूमेंट ही मौका दे रहा उस रूप दे विच। मैं भाई गुरदास जी ते कई बार बचना पढ़ी दा है, बड़े हैरान कुन वाक लिख देंदे हो। वो कहिंदे भी जदों ये रब जी तेरे बारे जानन की कोशिश की ते जानद्या जानद्या पता लगा भी तू ते अंतर जामी है, तेरे तो ते लुकाया छुपाया नहीं कुछ भी जा सकता। अजे तक तो है ना बंदा परदे पुरदे ला के अपना जिहड़ा सारा गारबेज वगैरह लुको के रखता भी गल ही कुछ नहीं है, कर बिल्कुल ऐन साफ बिल्कुल लिशकदा पुशकदा। हाँ थोड़े कॉर्नर कूर्नर कुरेद के देखोगे फिर पता लगेगा डस्ट पई है पई आ पिया है इस तरीके ने, या कि स्टोरेज जाके देखोगे तो सारा उबड़ खाबड़ समान पिया सारा, पर वो तो सारा लुकाया ना, वो तो छुपाया, वो तो कितने भी सामने नहीं हैगा। पर भाई साहब कहिंदे हुण ते पता लग गया भी तैनू पता सारा कुछ, तो जदों का यह पता लग गया उदों की तो हालत बड़ी पतली हो गई है। कह लगे अंतर जामी सुन कंपत हूँ अंतरगत, अंदरों ही कांप चढ़ दी है भी ओ हो बनेगा की बनेगा की, तू तो सब जानदा सब जानदा। पर कहिंदे फिर एहसास हुंदा तेरा सुभाव ही तो बिरध पालक है। सुभाव की है जी? कहिंदे अंतर जामी कंपत हूँ अंतरगत, पतित पावन सुन भय परम टार हूँ। सारे भय परम लै जाते जो पता लगता पतिता नू पावन करने वाला तू है, माड़िया नू चंगे करने वाला तू है। जिन्हों गया सी कदी भगत जी ने कहन लगे गल है नीचे ऊच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डर है। वह परवाह थोड़ा मनता किसी की, कर्म विधाता जो होया वो जो तो कर्म करन ते आउंदा ते फिर नीच कीट ते करे रजंगा, वो कीड़े नू भी नवाज देंदा, उसनू भी कहिंदा भी लै तेनू तेनू राजगद्दी तक बिठा देना। यह एहसास है, ये कर्म विधाता आ, वो कर्म तसव्वुर भी करता साढ़े, पर साढ़े कर्मां नू तसव्वुर किसे इस रूप में नहीं करता भी वो बड़ा क्रूर है। महाराज कहिंदे कर्म का मतलब तरस भी है, वो कादर करीम जो है ना, तू करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे, करीम कर्म करने वाला जो मुआफ कर देंदा, जो सबनों फॉरगिवनेस जिहड़ा है कहिंदे रब का सब तो वड्डा वर्चू है, उहदी एक्सरसाइज हर वक्त कर रहा है। हाँ बंदे तू उहदे उस वर्चू नूं सपोज करो कि इंजॉय करना आया जीवन विच वापरदे हुए वेखना आया, तैनू सुभा दा कुछ अंश लैना पैना है। अक्सर यह हुंदा मैं कुछ भी ना छड्डा, मैं कुछ भी ना त्यागा, मैं पैर पैर ते कहां। मैं कई वारी बेनती करदा साडा दुनियावी लोगों का सुभा थोड़ा बड़ा इस तरह का हैगा है कि असी जे तो कोई अपने तो माड़ा होए तो फिर असी कहने भी लै गल ही कुछ नहीं, हूँ तो मैं ना इनू इन्हें गलती की इन मज़ा चखा देंगा आखिर करे चीज है। जे अपने तो तगड़ा होए फिर बंदा कहें नहीं नहीं कोई ना, फिर मैं कोई ना माफ़ कर देने गल ही कुछ नहीं, भाई तेरा पानी नहीं चढ़िया उत्ते, तेरी एफर्ट जी उ सीमित सी, अदरवाइज सुभाविक तौर पर तो इस किस्म की हालत है। कभी करतार बारे सोचा जाए जो पैर पैर ते गलतियां करते हैं, बाबा जी कहिंदे जो सजा देण ते आए ते की सजा देगा, सजा ते है भाई गुरुदास जी कहिंदे अपनी करनी कर नरक हूं ना पाओ ठोर, करनी ते ऐसी है नरक च भी जगह ना मिले जे तकड़ी धर के तोलिया जाए ते। हाँ तू बड़ा बेअंत आ, तुमरे बिरध आसरो संहार हो, तेरा बिरध वेखदा ना, बिरध दे है जो शरण आवै जिस कंठ लावै, ये बिरद स्वामी संधा तेरा संधड़ा सुभा आया, खुशबुआ छड़न वाला महका वंडन वाला, जो शरण आवै जो निमदा लिफदा झुकदा तूनू गल ला लेंदा, तूनू उस रूप च रुलन ना, एक कर्म विधाता आ। बचन आ जो इत गुरु अमरदास साहब कहिंदे जिन तू जाता कर्म विधाता, जिन्हें तेनू पहचानिया कर्म विधाता, कर्म दे विधान दे घड़न वाले विधाता, वो फिर इस तो बहर आ गया, उसनू पता लग गया हर पल नवाया हर दिन नवाया। आप जो अज की सोसायटी विचरते हैं ना, सपोज करो
बंदे मतलब डिप्रेसिव थिंकिंग वो नहीं छड़दी, बंदे नू गिल्ट नहीं छड़दा, मतलब गिल्टी उस लैवल ते रहना हर वक्त। आ मैं पल गल कही है, अगले पल ये कही जाना, आए हाए एवें नहीं सी कहना चाहिए, इस तरह नहीं सी करना चाहिए, क्रुझी जावा, होना तो कुछ भी नहीं, अज आ कम कर लिया, कल नू कहना आ ये नहीं सी करना, नहीं सी करना, फिर किवें फिर निकलांगा बाहर। इस तरह भी जाणिया जाए, मैं अपने ही किसी बीते दे उस इंसीडेंट नू, किसी चीज़ नू माफ़ करने लिए अपने आप तो तैयार नहीं गा, कुदरत किवें माफ़ कर देगी मैनू, सोचिए जरा। सैल्फ बीटिंग होंगी बंदे की रोज़, यही तो ही बंदा फिर तो जिथे सैल्फ बीटिंग होंगी, सपोज करो आप हर्ट होया वा, आप जख्मी हाँ, तो दूजिया की वंडागा, दूजिया मैं स्नेह नहीं वंड पावगा, मेरे अंदरों खिज ही निकलेगी, मेरे अंदरों उही चीज़ निकलेगी। इस करके खिजिया होया बंदा दूजिया खिज वंड रहा, आप कितने कितने हर्ट होया दूजिया कहिंदा भी तुसी भी थोड़ा थोड़ा पेन लवो ना, मैं इन्नी लई है थोड़ी तुसी भी लवो, फिर वंड रहा सारा कुछ। बाबा जी कहते जो पाई है भांडे विच वस्त सा निकला, जो झोली च पिया दामन च पिया जिधर जा रहा उही सट्टी जा रहा, भी चलो तुसी भी लवो इस रूप दे विच। इनू प्रिंसीपल तेजा सिंह लिखते घर का प्यार, कहिंदे भी प्यार जिहड़ा आ इहते वंडना चाहिए, लैना चाहिए, देना चाहिए, स्नेह सब कुछ है, पर गल ये है गल सा कहिंदे ते सारे ही ने भी प्यार वंडो प्यार लवो, पर मुश्किल है कोई प्यार देना चाहे अगला लैंदा नहीं, कितने मतलब वो दी रोल बनता भी तू स्नेह प्यार नाल किसी नू पेश आ, उत्थे आउंदा नहीं गा, कारण कहिंदे झोली खाली है, ये झोली कितों भरे घरों भरे, पर घर सिर्फ इट्टां ते इहदे मकान की गल थोड़ा हो रही है, घर ते बाबा जी घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, उस घर की गल होने लगी। हिरदा घर, जिस घर विच कोई चीज़ पाई जाए, ये क्या गया बंदा इनू कह लो मतलब अज दे जिहड़े बिहेवियरिस्ट ने कहिंदे ने लव इज़ ए फ्रूट, बट द दैट फ्रूट वी कैन इंजॉय इफ वी कैन सो और एक्चुअली प्लांट कंपैशन। जे तुसी कंपैशन दे बीज बीजोगे तां ही जाके स्नेह दे फल खाओगे, जिन्हों असी तरस की मिकदारी कहने बंदे चे होए, रब तरस की मिकदारी है, वो हर वक्त तरस विच ही है, हर वक्त जिन्हों कह लो कि हर चीज़ वो कटसी चो निकल रही है। बाबा जी बयान करते जिन्हें तेनों इस रूप में पहचान लिया कर्म विधाता, वह महसूस होया वो अकाल पुरख वाहगुरु तरस करने वाला, कादर करीम आ बचने जिन तू जाता कर्म विधाता, फिर क्या पूरा भाग गुरु शब्द पछाता, पूरा भाग, बड़े कमाल दे लफज ने ये, भाग तो साड़ी सीधी जी अंडरस्टैंडिंग होंदी है किस्मत, असी सीधे तौर पर कहने साडा फॉर्च्यून साड़ी किस्मत इस रूप दे विच। हालांकि तुसी जे मॉडर्न लिटरेचर भी पढ़ोगे तो लैंगुआ फ्रेंका जिन्हों कहा जाता अंग्रेजी जबान, लक लकी लक होना बंदे दे कोल किस्मत वाला कह देने इस रूप दे विच। इहदी जे असी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो उस रूप के अंदर इनसाइक्लोपीडियाज़ के अंडर जाके, तो वह इनू बड़े सोहने ढंग एक्सप्लेन करते हैं, वो कहिंदे ने लक मीन लेबर अंडर करैक्ट नॉलेज, लक LUCK लेबर अंडर करैक्ट नॉलेज। हुण इह तां ना हो सकता बंदा कहे भी मैं ना आ पत्थर की कंध मूव कर देंगा, तो मूव नहीं हो रही, कहिंदा भी किस्मत नहीं कम करती, मैं तो बड़ी मेहनत कर, नो डाउट तेरी मेहनत ते कोई शक नहीं गा, तू बड़ी बड़ा जोर ला रहा है, पर लेबर जिहड़ी है इज इट अंडर करैक्ट नॉलेज। नॉलेज तो हुण सारी हैगी बंदे नू, पर बंदा कहिंदा है नॉलेज है पर यू नो एफर्ट नहीं पाउणी, ना 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 भाई फिर भी नहीं बननी गल, ये दोनों का जिथे कंबीनेशन होंदा आ उत्थे फिर कुदरत आत्म साथ हो जाती। इसनों कहिंदे ने भी नाउ लक इज वर्किंग, ये रूप आ, नहीं तो बंदा जिस किस्म के भाग की गल करता वो भाग इनू ना मिलेगा, वो भाग ना मौजूद होएगा। इत्थे साडे नॉर्थ अमेरिका च दुनिया की सब तो वड्डी गैम्बलिंग होंदी, शहरां दे शहर वसे ने गैम्बलिंग करने वास्ते, आप देखते हो सारे पूरे दे पूरे इन्नी ज़्यादा लॉटरी बाजी सब कुछ। ये मनिया गया आ कि जे $10 का रेवन्यू जनरेट हो रहा है तो वो 20% अराउंड $2 जिहड़े ने गैम्बलिंग चों आ रहे,
सोचिया इस लैवल से देख लोगों के बटव्या के बटवे खाली होंगे ने उस रूप के गैम्बलिंग अंदर लॉटरियां पाते हो इस तरीके मैं भी थोड़ा रोज़ जो है 649 तो लाटो तो सारा कुछ लोटो तो सब निकल रही सब रू उस रूप के अंदर खैर जी बेनती कर लगा सी अमेरिकन स्टडीज दस दियां ने कि सपोज करो किसी की मल्टी मिलियन की लॉटरी भी निकल जाए लैस दैन 10 ईयर्स के जिथे वो इंडिविजुअल खड़ा से जिस दिन लॉटरी निकली उस तो थल लोअर स्टेज पर आता फाइनैशियली इतने पता लगता है कि जिथे बंदे दे अंदर कैपेबिलिटी है कपैसिटी है जे वो उस एबिलिटी नू सही रूप दे विच कह लो कि यूटिलाइज करता आ उसनू एग्जीक्यूट करता आ कुदरत नवाजती है असी लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे विच डबल डी का फार्मूला पढ़ते हैं किन्दे पीपल डिमांड बट दे डोंट डिजर्व दे कैन नॉट गैट इट पीपल डिजर्व दे नैवर डिमांड बट दे गैट इट वो डिमांड कभी भी नहीं करते पर डिजर्व करते ने मिलता आंदा ये बंदा कहता किस्मत है किस्मत नहीं की असल च डिजर्विंग एबिलिटी है इसनों बकौल मस्कीन जो क्या करते सीगे कुदरत प्रालभ देने वास्ते तैयार है तेनों काबिलियत का झोला वधाउणा पैना नहीं वधाएगा कुदरत तेरी प्रालभ नहीं वधा पाएगी क्योंकि जिनी काबिलियत का झोला वधदा लगा जाएगा वह देने का तरीका होर उस रूप नवाजदा लगा जाएगा हुण बात रह गई भाग नूं अंडरसटैंड करन दी बाणी दे परस्पैक्टिव दे विच बाणी दे लहजे च इस तरह जाणीए महाराज कहिंदे असीं जिवें भागां दी गल करिए सरल भाव बाबा जी कहिंदे वड भागी हर संगत पावै भागहीन परमचोटां खावै बिन भागां सत संग ना लभै बिन संगत मैल भरीजै जीओ बाबा जी कहिंदे देख सतगुर सदा दयाल है भाई बिन भागां क्या पाईऐ एक नदर कर देख है सभी उपर जेहा पाओ तेहा फल पाई है हुण आ जी इस शब्द ते जो बाबा जी ने इत्थे बयान किया जिन तू जाता करम विधाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता हुण पूरे भाग भाग की एक्चुअली व्याख्या जिहड़ी कीती टीकेकारा ने वह की हिस्सेदारी के रूप दे विच कुदरत सानू कुछ देंदी है फिर कहिंदी है ये तेरी मर्जी ये तो बड़ी वड्डी यूनिवर्सिटी रिसर्च हुई ने कि डू वी हैव फ्री विल और एवरीथिंग इज प्री डिटरमेंट कि साडा सारा कुछ प्री डिटरमेंट ही है जिते प्री डिटरमेंट है भी किस्मत होएगी तो मिल जाएगा तो फिर तो काम ही खत्म हो गया या साडे कोल फ्री विल आ इहदे च कहा गया कि करतारी कुदरत का काम इस रूप दे विच है जिन्ना वो बख्शदी जदों उहदी हिस्सेदारी नूं तुसीं पा देंदे वो होर नवाज देंदी तुसी उस हिस्सेदारी नू होल्ड करी जाओगे वो होर ना बख्शदी इस तरीके नाल जाणो हुण इस रूप में भी समझ लईए कि आपां इत्थे बैंकिंग स्ट्रक्चर नू समझदे हां बड़ी चंगी तरह कैपिटल सोसाइटी है लगता एवें सब कुछ बंदे ओन करदे ने पर एक्चुअल लैवल ते सारा कुछ इत्थे कारपोरेशन ते कारपोरेशन दे जरिए एलीट ओन करदा आ इस तरह जाणो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ही एवें दा बिल्ड किया उन्होंने उस रूप के अंदर ये बंदा आता तो उसनू एक जिन्हों असी कहने फील गुड फैक्टर मतलब ये बड़ी चंगी बड़ी तगड़ी चीज़ होंगी है अजक लोग कहते इकोनमी थले चलेगी इस तरह चलेगी फील गुड फैक्टर चला गया लोग घर बैठे होंगे सी न्यूज़ सुनते होंगे अच्छा तुहाडा घर जिहड़ा है ना 2 लाख वध गया 3 महीनों च चलो जी बहुत अच्छे पीज़ा ऑर्डर करो आ खा लो फील गुड फैक्टर ये सीगा उस तो बाद हुण पता लगता तुहाडा घर ना 2 लाख घट गया ओ माई गॉश अच्छा ना पहला कुछ एक्सट्रा आ रहा सी ना हुण कोई एक्सट्रा जा रहा घर दे विचो उहदे नाल ही बंदा कही जांदा नहीं नहीं खर्चे घटा दिओ कुछ नहीं खर्चा करना कितने बहुत बुरी हालत हो गई भी तुही किहड़ा कुछ करना करवाउणा सी गल इह है वह फैक्टर चला गया फील गुड फैक्टर कैपिटल सोसाइटी फील गुड फैक्टर ते चलदी उहदे अंदर इह कहा जांदा कि ओके ठीक है तुसीं आए हो तुसीं फील गुड करो रहना तो है तुसी किसी रहायशगाह दे विच जिन्हों असीं घर मकान कह दें तो उहदे च इस तरह करो कि तुसी ना इहनू ओन कर लवो ओन किवें करोगे तुसी बैंक तुहानू लोन दे देगा हुण एक शख्स बैंक कोल गया वह कहिंदा जी मैनूं 10 साल हो गए इत्थे रहिंदिआं तो मैं आ घर लैणा है तो इस तरीके नूं कहिंदे वी भाई सॉरी आ तेरा लोन प्रूव नहीं हो सकता बड़ा मन जा मलाल जा लै के वापस आ जाता मेरा लोन नहीं प्रूव होया एक दूसरा शख्स जाता उन्होंने अजे साल भी नहीं होया आए नू तो कहिंदा मैं घर लै लिया कहिंदा लोन कहिंदा देता बैंक ने वो बैंक वाले को वापस गया कहिंदा यू गाइस आर रेसिस्ट यू नो आई वॉज आस्किंग यू टू एक्चुअली प्रूव माई लोन बट यू डिडंट डू दैट एंड सेम टाइम द
this person actually getting the money. Oh, can they, hold your emotions for 1 minute. Ek palli gal sunega saadi. Is shaks nu assi kya siga ki teri down payment jehdi hagi oh 20% di honi chahidi hai. Inne kar ditti. Tenu kya siga tu kehna mere kol 5% hi hai. Bhai tu apna hissa pura na paaye, bank apna hissa kiven paayega? कुदरत इस तरीके ना मैं कहां मैं बीज भी नहीं बीजना ना मैं बूटा पैदा कर सकना ना मैं वड्डा कर सकना ना मैं नू फुल ला सकना ना ना फल ला सकना कुछ भी नहीं कर सकता ये सारा कुदरत ने करना है मेरे हिस्से च की आया है बीज बीजना मैं वो भी ना बीजा फिर कह किस्मत बड़ी माड़ी है ओहो हो आ की बनया भाई तू ये किवें कह सकता है तेनू अपना बीज ते बीजना पेगा ना कुदरत ने यही तेरे हिस्से पाया विधि का विधान यह है बाबा जी कहिंदे इत्थे जाके मानो कि बंदे ने अपना भाग नहीं पाया अपना हिस्सा नहीं पाया जिहड़ी करैक्ट नॉलेज है ना विच इज़ कॉल्ड विजडम नॉलेज इज़ द नॉलेज जिहड़े बंदे मैं यंग अफेंडर्स दे नाल काम करदा आप हैरान होवोगे कई बार लोग कहिंदे ने भाई साहब किवें दे लोग होणगे हाईली स्मार्ट सोचिया भी नहीं जा सकता एक बच्चा जड़ियाँ हाई एंड दियाँ गड्डियाँ ना जिन्हां दे GPS लगे होंदे ने सेंटर लॉक सिस्टम होंदे ने सारा कुछ उसनू किवें उदी मतलब कह लो कि डी प्रोग्रामिंग करनी हैगी है ये वो लड़का करदा 21 साल का लड़का अपना साउथ एशिया तो मैं उन्हें मिलिया तो साइकोलॉजिकली गल कही जाती कि सानू ना एक टाइम दे विच इको समय दे विच 6 to 10 नंबर याद हो जाते हैं जिवें सपोज करो तुसीं नज़र मारोगे ना तो इस करके जिहड़े फोन नंबर ने अराउंड 6 to 10 इंच रखे जाते हैं एक ग्लैंस तुसीं एग्जैक्टली बिल्कुल उस मूमेंट विच होवो तुसीं 6 to 10 नंबर पकड़ सकते हो तुहाडी एकदम छाप पै जाती उहदी इन्ने ही पकड़ सकते उहदा IQS लैवल का वह कहिंदा मैं एक ग्लैंस 25 नंबर पकड़ लैना तुसी मेरे सामने क्रैडिट कार्ड एवें करके तो एवें करके वापस पा लवो तो दैट क्रैडिट कार्ड्स नंबर इज इन माई माइंड कहिंदा मैं ये कहीं ना हुन्ना फैमिली च मैनू क्रैडिट कार्ड ना विखायो जे कहिंदा तुसी मेरे सामने पिन पाओ इस तरीके ने क्रैडिट कार्ड दी तो जस्ट आई हैव टू सी ट्वाइस दो वारी मैनू देखण दी लोड़ आ कहिंदा डन आ क्या कमाल आ किन्नी नॉलेज आ किन्नी एबिलिटी है पर करैक्ट वे नहीं है विजडम इन कहते इंटलैक्ट हो जाना वक्री गल आ पर वाइजर लैवल से उन्होंने यूज करने की एबिलिटी आ जानी वक्री गल बाबा जी ने इस करके कहा सीगा क्या ये जड़ी इस किस्म की सोच आ ये वड भागी हर संगत पावे कितने हरदा संघ मिले हरदा संघ आ वो हर जिहड़ा जर्रे जर्रे च मौजूद आ ते मेरे विच भी मौजूद आ जिहदी मौजूदगी का एहसास मेरी कॉन्शियस करेगी मैनू जीवन सुखनुमा पद्धर ते फील होएगा महसूस होएगा अदरवाइज कैमिकल्स ने सारे हुण ते रिसर्च आ रही है स्टडीज़ आ रही आप एहसास करोगे बंदा शूगरी स्टफ मिठा खा रहा मूँह च पा के मूँह का सलाइवा कौड़ा बन रहा क्योंकि ब्रेन दे कैमिकल्स कुड़त्तन पैदा कर रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है बंदे नू तुसी बहुत वधिया सीनिंग व्यू दिखा रहे हो सारा कुछ उदी छाप अंदर रिवार्ड बेस्ड फीलिंग दी होनी चाहिए कैमिकल दे विच डोपामाइन रिलीज होना चाहिए उत्थे उत्थे रिलीज नहीं हो रहा बल्कि उदे अंदर होर ज़्यादा खिज पैदा हो रही उदी क्रेविंग आ रही है ये रिसर्च है एक ही है सोच की दुरुस्तगी जड़ी है ये चंगी सोहबत विचों निकलती है संगत ही सब कुछ है एंड ऑफ द डे तुहाडी कंपनी जिथे तुसी कॉन्ग्रीगेट करते हो जिथे तुहाडा आला दुआला है सेकेंडरी थॉट जड़ा है इस रूप दे विच आउंदा आपां रिलेशनशिप डीलिंग्स दे उत्ते गल्लां करदे साडे काउंसलिंग दा वड्डा हिस्सा उस पासे नूं हुंदा बच्चा खिजदा खिज के माँ नूं कहिंदा यू नो डैड नैवर लिसन मी डैड इज़ सो बैड डैड इज़ सो दैट इज़ दिस एंड दैट इज़ दैट इस तरीके दे नाल माँ कहिंदी या आई अंडरस्टैंड बेटा योर डैड
his perfectionist. He wants to see some sort of perfection in you. And somehow I feel pity for him. बच्चे का परस्पेक्टिव बदलना शुरू हो जाएगा. माँ कहे वो बिल्कुल ठीक है, यदा हाल ही शुरू तो यह है, एक गल ही नहीं समझता इनू, जिन्ना मर्जी कह लो. मैं तो आप बच्चा कहता वट एवर आई वॉज थिंकिंग दैट वॉज राइट. इतों शुरू होता मसला. सेकेंडरी थॉट कहड़ा आ रहा है. बंदा कहता रब बड़ा माड़ा आ, दूजा बंदा कहता है ही नहीं माड़ा, कितने हुंदा तो कुछ करता ना. ओपीनियन पक्का हो गया. बंदा कहता ओ हो रब बहुत माड़ा, संगत कहती ना हकीकत है वड़े किया वड्याईया किच कहना कहन ना जाए. मैं तो कह ही नहीं सकता वड्याई ओदी किवें. सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे. मेरी तो ड्यूटी है साई कार कमावनी. मैं तो उस कार नू नहीं कमा पा रहा जिहड़ी बख्श रहा आ. संगत ये है जी, ये है कॉन्ग्रीगेट करना. इस किस्म के नाल जिहड़ियां विचारां रावां ने उन्हां नू शेप देनी, नहीं तो वह गलत डायरेक्शन फीड होंदिया जाणगियां ते बंदे का सारा इंटलैक्ट सारी एनर्जी वह कूड़ कुचज वाले पासे तुरदी लगी जाएगी. साहिब महाराज ने इत्थे बयान किया पूरा भाग जदों अपनी हिस्सेदारी समुचड़ी बंदा पाउण लई तैयार हो जाता है फिर उहदी जिहड़ी अगली अवस्था बनती है पूरा भाग गुर शब्द पछाता. वह गुरु शब्द को पहचान लैंदा. कुछ चीज़ा ना वॉइस वर्सा काम कर दियां ने. जिवें सपोज करो दाने लोग इत्थे कहिंदे जिहड़े खास करके फाइनैंस वर्ल्ड नूं बड़ा समझदे ने, वह कहिंदे तुहाडे कोल पैसा आ तुसीं होर पैसा भी कमा सकदे हो, तुहाडे कोल पैसा नहीं तुसीं होर पैसा भी नहीं कमा सकदे. इन बिन कहा जांदा तुहाडे कोल अकल आ तुहानूं बाहरों भी मिल जाएगी. तुहाडे कोल अकल नहीं तुहानूं बाहरों भी नहीं मिलेगी. कई बार बंदा एहसास करता पहला कोल होएगी अकल तो बाहरों मिलेगी कि पहला बाहरों मिलेगी तो फिर बंदा कोल अपने पैदा करेगा. भई ये हैंड इन हैंड ही चीज़ा काम कर दिया ने. जिवें धरती पूरी गोल है ना, ब्रह्मांड पूरे का पूरा ना कि शुरू है ना कि खत्म आ. इन गलों का भी यो चीज़ आ. किसू किस रूप से चीज़ फिट बैठे कोई नहीं जानता. कोल सोझी होए तो शब्द की पहचान आती है, शब्द की पहचान आ जाए तो अंदरों सोझी आ जाती है. इस रूप भाग कितों भी मैं क्या बिगनिंग है किसी लैवल से भी कर ले बंदा. गुरु बाबा जी कहते पूरा भाग गुर शब्द पछाता. जो भाग मथोर हो गया, जो कह लो कि जिन्होंने महाराज ने कहा सीगा आवन आयो सृष्ट मैं बिन बूझै पशु ढोर. बंदा उस मतलब मिट्टी हवा पानी का पशु बनया उदा ही बंदा बनया, फर्क तो बहुता नहीं गा. फर्क उदों आ जदों बंदा इस धरती ते अपनी होनी नूं सवारदा आ. जे पशुआं दी तरह जम्मिया ते मर गया तो उहदा बेनीफिट ही की आएगा. आवन आयो सृष्ट में बिन बूझै पशु ढोर, नानक गुरमुख सो बुझै जाके भाग मथोर. ए नानक बुझे ते ओ बुझे जाके भाग मथोर. किते कहिंदे मत्थे दीआं लकीरां जिहड़ियां ने, ते मत्थे दीआं लकीरां इह मैटाफोर आ. असल च मत्था उही हुंदा आ जिहड़ा किसे दे सही रूप च मत्थे लगदा आ. इह मूँह मत्थे लगना ही है सारा साडा मिलना गिलना, साडा मेला गेला ही दसदा आ. अज दे एजुकेशनल काउंसलर स्टूडेंट्स नूं यंग बच्चियां नूं लिटरली तौर ते गल कहिंदे ने शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर. मैनूं अपने दोस्त मिला दे मैं तैनूं अज ही तेरा फ्यूचर कागज़ ते लिख देना की होएगा. वो दोस्त मिलाए पता लग जाए आ ने बस आही फ्यूचर है तेरा. तुहाडियां चॉइसिस ये बड़ियां सिंपल ने. कुदरत कई रूपां दे च लगदा बड़ी कॉम्पलैक्स आ पर कई रूपां च बहुत सिंपल आ. हाँ मैं ही नहीं समझना चाहुंदा. बाबा जी क्या संगत देख अपनी, जैसी संगत तैसी रंगत, वडभागी हर संगत पावै भागहीन प्रम चोटां खावै, विन भागां सतसंग न लभै. चंगेरियां दी संगत बंदे दी मतलब मथोरता तो बिना ना प्राप्त होए. बंदा उहदे ही मत्थे लगे जिहदा मत्था उहनूं सोभदा चंगा लगदा, जिहदे नाल कुछ आइडियल लैवल ते सांझ हैगी उस रूप दे अंदर. साडे बड़े प्यारे सज्जन ने बाय प्रोफेशन वी एक साइकोलॉजिस्ट ने, तो उन्हों का एक रिश्तेदार लड़का आया मिलने वास्ते, तो घरे बड़ा उदास उदास जहा फिरे, तो वह कहें पता नहीं की गल है थोड़ा उपराम जहा इस तरीके, तो कहते हो सकता जेट लैग होया हो इस तरीके, तो कितने किसी को मिलने वास्ते गए. जो मिलने वास्ते गए तो सेम तरह का उन्होंने एक इलती न्याणा
अनफॉर्चुनेटली ऑटिज्म का थोड़ा शिकार सीगा उस रूप दे विच। वो जाके उन्हें देखिया दोनों ने माई गुडनेस गलवकड़ियाँ पा पा के मिले, पहली बारी मिले, जानते भी नहीं एक दूजे नू, वो मतलब सारा वो कहिंदे हाँ हुण पता लगा भाई गल यह है इत्थे सोच का पद्धर रलदा आ। वो जिथे रलदा उत्थे बड़ी सांझ हुंदी, भावें इल्लत दी इल्लत दी बात करो तुसीं, पर यह है ये चीज ता ही वो सोभदी बंदे नू, क्योंकि बंदे दे अंदर जिहड़ी है वह कशिश कहिंदे जिहो जी हु इनफ्लुएंस हु, किन्ने किसनू इनफ्लुएंस देना है भाई, जिस किस्म दे नाल उन्हां दा वह कह लो कि ओरा रलदा आ उत्थे जाके मैच हो जाता है, मिसमैच होंदा ही नहीं। इत्थे बाबा जी के जात की गल करनगे, सजात होया ही चीज़ मिलती है, कुजात हो के बेजात हो के जात जिहड़ी ये चीज़ नहीं मिलती, सानू कई बारी कास्ट सिस्टम च पाता जाता। इत्थे बाबा जी ने कहा सा जात सा पात है जिहे कर्म कमाए, जिहो जे बंदे दे अमल अमाल ने उत्थे सांझा बनदियां ने, जिथे अमल अमाल मैच नहीं करते उत्थे सांझ भी नहीं बनती। बाबा जी ने बयान किया पूरा भाग गुरु शब्द पछाता इहदे च होया कि जत पत सच सच्चा सच सोई हौमै मार मिलाएंदा, हौमै मार मिलाएंदा। हौमै कहिंदी है मैनू कौन सिखा सकदा, मैनू कौन दस सकदा, मैनू पता नहीं गा, बस इत्थों हौमै शुरू हो जाती। असी कबियो बाच बेनती च रोज़ पढ़ते हाँ कि तरस करी मेरे ते सिख उबार असिख संग्रह, मेरे अंदर जिहड़ी सीखण की एबिलिटी है ना इनू उबार, जिहड़ी असिख बिरती है इनू संग्रह दे खत्म करन, क्योंकि असिख बिरती जिहड़ी है ये मैनू फिट नहीं बैठ रही, ये मेरे च हौमै पैदा कर दी, मैनू पता आ मैं परफेक्ट हाँ, मैनू दसन की लोड़ नहीं है, हौमै असिख भाव आ गया, उसनों फिर उसनों कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हर रोज़ ही सीखना है, हर पल ही सीखना है। जिवें असी कई बार सूफिया के बचन पढ़ते हाँ, शेख सादी नूं एक बार उहदे शागिरदां ने पुछया कहिंदे सादी साहब तुसीं साढ़े मुरशद दे कामल हो, उस्ताद हो मतलब, ते असीं तुहाडे कोलों सीखदे हाँ, तुसीं बड़ा जोर ला के सिखाउंदे हो, बड़ा जोर ला के सानूं दसदे हो, पर गलतियां फिर जीवन च हो ही जांदियां ने, पैर पैर ते ठोकरा खाने फिर रोने फिर करलाने। अच्छा तुहाडे तों पुछदे तुहाडा उस्ताद कौन है, इन्ना पता लग जाए तो फिर घट तो घट असी या तो उस उस्ताद को जावांगे भी जिन्हें तुहानू घड़िया फिर तुहाडे कोल क्यों रवांगे, तो दूजा उस उस्ताद नू भी जाके नमस्कार करांगे भी कमाल है कैसा शागिरद बना दिता। शेख साहब जी हस पिया तो कहन लगा भी कोई एक होए तो दसा, मेरे तो उस्ताद ही बड़े ने। वो कहिंदे दो चार दे नां ते दसो, वो कहे उस्ताद ने दो चार जिहड़े जिन्हों असी एक दो ते मिलीए जाके। कहिंदा सच है धरती दे जिन्ने मूर्ख लोग ने वो सारे मेरे उस्ताद। वो कहिंदे साधी साहब मजाक थोड़ा के करन वास्ते कह तुहानू, कहिंदे नहीं मैं सच कह रहा कोई मजाक नहीं। कहिंदा मैं मूर्खां वल वेखदा, मैं उन्हां नूं गलतियां करदिआं नूं गुस्ताखियां करदिआं नूं वेखदा ते अपने आप नूं कहिंदा साधी आ गुस्ताखी नहीं करनी। कहिंदा सब सिखा रहे ने मैनूं, सीखना होए ना तो बंदा हर चीज़ तो सीखता, कूड़ तो भी सीखता, कुचज तो भी सीखता, कुमत तो भी सीखता। ये है सिख उबार, ये उभर आए मेरे अंदर बिरती, असिख संग्रह वो बिरती ना रहे। इतने महाराज बयान कर दे तरस करी मेरे अंदरों जो ओ प्रवृत्ति है जिदी महाराज कहिंदे हौमै मार मिलाएंदा, तू हौमै नू मार के उन्हूं मिला सकदा, तो जिन्हों मिलना आ वह की है जत पत सच सच्चा सच सोई। जत करैक्टर मकान नीह ते खड़दा आ, बिल्कुल ठीक है, जिवें दा मर्जी मकान बना लो जे नीह कारगर ने मकान नहीं ठहर सकेगा। धरती दे उत्ते जिन्हों असी मकान तो घर बनना कहने, घर किरदार ते खड़दा, किरदारां दी कमी च घर टुट जांदे ने। जत जाते बाबा जी ने बाणी च इस ते बहुत जोर दिता है, जपजी साहब पढ़ो जदों बिल्कुल नूं महाराज ने निचोड़िया ना कॉन्कल्यूड किया अखीर दे च, बाबा जी बात तो शुरू कर दे जत पहारा, पहारा कहिंदे दुकान नूं, इहदी दुकान पाला ते दुकान वह हुंदी है जिहदे च जदों भी कोई आए आके बूहा खड़काए भावें अद्धी रात नूं भी अंदरों समान मिलना चाहिए, अंदर सौदा मौजूद होना चाहिए, तां दुकान है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹੀ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗ ਮਥੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜਤ ਪਤ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਜੇ ਨੇ, ਕੱਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਪਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਜਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੇ ਡੋਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਗਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਤ ਪਤ ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਰੱਬ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਏ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਲਾਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਠੋਰ ਏਡਾ ਆ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਆ, ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਲਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੁੱਸ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ। ਐਕਚੁਲੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਲਾਗਾ, ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੇ ਅਭਾਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਭਾਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ, ਕਿਆ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਕਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।